आज हमने पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अदर रिलेटिव मेजर्स। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, बेसिकली हमने रेंज देखी है, उसके बाद हमने क्वार्टर डेविएशन देखा, नेक्स्ट उसके बाद मीन डेविएशन, उसके बाद हमने वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स थे जिसमें हमारा यूनिट इन्वॉल्व होता था। इनके जो है नेक्स्ट हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं, तो फिर वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर होता है। जैसे कि हमने रेंज का फिर कोफिशिएंट जो है वेरिएशन देखा, तो उसका वो यूनिट लेस हो गया था। इस तरह से क्वार्टर डेविएशन का भी हमने यूनिट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन देखा, फिर वो यूनिट लेस हुआ था, फिर वो रिलेटिव मेजर बना था। सिमिलरली जो है वेरिएंस का आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेसिकली जो है हमने पढ़ना है, ये बेसिकली डिफरेंट डेटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए होता है। अगर आपके पास देखें दो डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हो, एक आपका केजी में हो और एक आपका मीटर में हो, आपने उन डेटा सेट्स को भी कंपेयर करना हो, उनकी कंसिस्टेंसी या उनकी वेरिएबिलिटी चेक करनी हो, तो भी आप जो है रिलेटिव मेजर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम डिफरेंट डेटा सेट्स को जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। कि अगर एक का यूनिट हमारे पास केजी है, एक का यूनिट मीटर है, या एक का यूनिट ओर्स है, एक का यूनिट रुपीज़ है, डिफरेंट जो जब इनके यूनिट्स होते हैं तो हम इनको कंपेयर करने के लिए देखते हैं कि किसका कोफिशिएंट वेरिएशन बड़ा आ रहा है, किसका छोटा आ रहा है। ये बड़ा ईजी टॉपिक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये पेपर में आता ही आता है आमतौर पे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटिव, अब इसकी जो है डेफिनेशन भी आपने कर लेनी है, यहाँ से डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर। ठीक है, सबसे बड़ा इसका बेसिक ये है इसकी कि ये आपका रिलेटिव मेजर होता है। रिलेटिव मेजर क्या होता है, जिसमें आपका यूनिट इन्वॉल्व नहीं होता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि यूनिट्स उसमें नहीं होते हैं, ऑफ मेजरमेंट एंड एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज में आप एक्सप्रेस करते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू कम्पेयर वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा को कम्पेयर करने के लिए जो है बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं कोफिशिएंट वेरिएशन। द ग्रुप विच हैज़ लोअर वैल्यू, अब यहाँ से याद रखना है ये आपकी इंटरप्रिटेशन होगी, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आपने इंटरप्रेट करना कि ये शो कर रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। द ग्रुप विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशन इज कंपैरेटिवली मोर कंसिस्टेंट। अब ये चीज़ याद रखनी है, जिसका सी वी होगा छोटा, ठीक है, जिसका सी वी स्मॉल होगा, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको कह सकते हैं कि आप जो है ये कैलकुलेट करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दो डाटा सेट्स का और उसका बताएं कंसिस्टेंसी कैसी है। अब जिसका सी वी, जिसके सी वी की वैल्यू छोटी होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, जिसके सी वी की वैल्यू छोटी होगी वो मोर कंसिस्टेंट, और जिसके सी वी की वैल्यू बड़ी होगी वो भी अभी नेक्स्ट जाके मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज, अब सी वी का जो फॉर्मूला ये होता है एस ओवर वाई बार मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये एस क्या है, एस आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई बार आपका मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका सैम्पल डाटा का हो गया। और पॉपुलेशन में आपको पता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, मीन को आप म्यू से डिनोट करते हैं। ये आपका यूज़ नहीं होता है, ये बस आपको वैसे बता दिए, पॉपुलेशन के लिए ये होता है और सैम्पल के आपके क्वेश्चन में आपने ये यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आ गया इसके बाद, एज इट इज अ रेशियो ऑफ टू क्वान्टिटीज। बेसिकली देखिए ये रेशियो है ना दो क्वान्टिटीज की, विद द सेम मिस म्यू किसको डोनेट करता है, मीन को, सेम यूनिट्स, सो इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि देखिए आपकी जो है ये दो क्वान्टिटीज हैं सेम यूनिट की, आप किसी डाटा सेट का मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो एक ही डाटा के निकालेंगे ना, तो वो सेम यूनिट्स में आएगा, तो वो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालती हूँ, मेरा यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है 9 kg। ठीक है, किसी भी चीज़ का मैं निकाल रही हूँ, नेक्स्ट मेरा जो है मीन आ जाता है 20 kg। अब मेरा जो kg है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो है वैल्यू सिर्फ जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, इसलिए यूनिट लेस हो जाता है, यानी कि यूनिट इसके आपस में कैंसिल आउट होके यूनिट लेस हो गया या डायमेंशन लेस हो गया। फॉर द सेम डाटा वेदर इट इज़ अ मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिमेन द सेम एंड हैज़ नो यूनिट। ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। अब एज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्सप्रेस वेरिएबिलिटी, अब ऊपर हमने चेक किया था कि कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं उसके थ्रू, नेक्स्ट हम देखने कि वेरिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं हम इसके थ्रू, वेरिएबिलिटी रिलेटिव टू द मीन, इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और रिलेटिव डिस्पर्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें सी वी की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैलकुलेट करके बताया आपको, एस ये था, वाई बार ये था और सी वी की वैल्यू ये आ गई है 7.04।
लार्ज वैल्यू ऑफ, यहाँ से देखें ना, लार्ज वैल्यू ऑफ सीवी इंडिकेट दैट द ऑब्जर्वेशन हैव मच स्प्रेड. ठीक है, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का पर्पस भी है, बेसिकली हम इसमें स्प्रेड चेक कर रहे हैं, स्कैटर चेक कर रहे हैं डाटा का एवरेज वैल्यू के अराउंड. अब वो कहना है कि मैम ये एस क्या है? एस इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना लास्ट लेक्चर में देखा था, वो है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी ये आपको नेक्स्ट फार्मूला के थ्रू बताएंगे, ये तो उन्होंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताया कि ऐसे वैल्यू होती है. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको एक्स दे दें और वाई बार दे दें, कहते कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करें, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रॉपर वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा और एस भी, अभी हम नेक्स्ट वो भी पढ़ेंगे. अच्छा, इसके बाद है रिलेटिव रिलेटिव टू द साइज ऑफ द मीन एंड वाइस वर्सा. दिस मेजर कैन बी यूज टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डाटा सेट्स और मोर पॉपुलेशन. इट विल टेक सेम वैल्यू फॉर द टू मोर पॉपुलेशन इफ ईच पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अच्छा, यहाँ से पढ़ने के बजाय मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, अगर सी वी की वैल्यू छोटी होती है तो वो आपका मोर कंसिस्टेंट होता है. सिमिलरली सी वी की वैल्यू लार्ज होती है जिस डाटा की, ठीक है, आपको वो ये भी कह सकते हैं कंसिस्टेंसी बताएं, और आपको ये भी कह सकते हैं कि आप इसकी जो है वेरिएबिलिटी बताएं. जिसकी सी वी की वैल्यू बड़ी होगी वो क्या होगा, मोर वेरिएबल होगा या मोर वेरिएबिलिटी होगी इसमें, ठीक है, मोर वेरिएबिलिटी. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ एक बार, जिसके सीवी की वैल्यू होगी हमारे पास स्मॉल वो होगा मोर कंसिस्टेंट. आपने दो डाटा सेट्स का करना होता है यूजली, आपको जो है ना कभी कभार जो है प्रैक्टिकल में तीन का भी दे सकते हैं, अदरवाइज दो का ही देते हैं जो पेपर में है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के दो सेक्शंस बने हुए हो ए और बी, आपको कहते हैं कि बताएं कि इन दोनों जो है सेक्शंस में मोर कंसिस्टेंट कौन सा है, या आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे मोर कंसिस्टेंट कौन सा है आप बताएं. आप सीवी कैलकुलेट करोगे सेक्शन ए की, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन कैलकुलेट करके सीवी कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले के थ्रू. नेक्स्ट सेकंड डाटा सेट का भी सीवी कैलकुलेट करने के लिए एस वाई बार सीवी कैलकुलेट कर लेंगे, दो आपके पास सीवी आ जाएंगे, सीवी ऑफ ए डाटा सेट, सीवी ऑफ डाटा सेट बी. अब जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा सीवी, जैसे कि ये आगे 7.04 और एक वैल्यू हो सकता है आपकी सिर्फ जस्ट 7 आ जाए. वैसे तो जरूरी नहीं है बिल्कुल पास पास हो, काफ़ी डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है. और ये हो गया, इसका मतलब है आपका जो है ये जो सेक्शन बी है ये मोर कंसिस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्योंकि सीवी की कम है. सिमिलरली अगर इसी डाटा सेट पर हम वो क्वेश्चन दे दें कि बताएं कि मोर वेरिएबिलिटी किस में है. अब सीवी ये हमारे सेक्शन बी की है और ये सेक्शन ए की है, फॉर एग्जाम्पल जिसकी वैल्यू सीवी की ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, उसमें मोर वेरिएबिलिटी हो जाएगी, ठीक है. जिसके सीवी की वैल्यू बड़ी होगी वो मोर बड़ी होगी वो होगा मोर वेरिएबिलिटी उसमें, जिसके सीवी की वैल्यू छोटी होगी वो मोर कंसिस्टेंट. आपको पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोर वेरिएबिलिटी बताएं या मोर कंसिस्टेंसी बताएं, ठीक है, ओपोजिट नहीं बता देना. अच्छा ये है, देखिए उन्होंने नेक्स्ट बताया आपको, ये डाटा सेट है इसका वाई बार ये है और सेकंड डाटा सेट का वाई बार ये. जैसे सेक्शन ए भी आपकी क्लास की हो, ए का मीन ये हो गया, सेकंड का मीन ये हो गया, फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया, सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया, एक के सीवी की वैल्यू ये आ गई, एक के सीवी की वैल्यू ये आ गई. अब मैं कहती हूँ आप मुझे बताएं इसमें मोर कंसिस्टेंट कौन सा डाटा है, तो मोर कंसिस्टेंट डाटा ये होगा जिसके सीवी की वैल्यू छोटी है. नेक्स्ट मैं पूछ लेती हूँ कि इस डाटा में मोर वेरिएबिलिटी किसके, ये वाला मोर वेरिएबिलिटी वाला होगा क्योंकि इसके सीवी की वैल्यू बड़ी है. द सी वी बींग ऑलमोस्ट इक्वल इंडिकेट दैट द, अब ये तो बेसिकली अप्रोक्सीमेट इक्वल ही आ रही है, 9.3 और 9.5 तो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लेकिन अगर आप डिफरेंस काफ़ी काफ़ी हो तो फिर आप इस तरह से करते हैं इसको. बोथ मेथड्स आर इक्वली रिलायबल, वी एक्चुअली डू नॉट. एक्सक्यूज मी मिस जी, मिस ये जो है इसमें आपने ये जो लिखा है फॉर सैम्पल और फॉर पॉपुलेशन, तो मिस इसमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपने हमेशा सैंपल का ही यूज करना है. पॉपुलेशन आपको गिव, मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन आपकी बहुत बड़ी होती है तो वो आपको करने के लिए नहीं आमतौर पे देते हैं, बस सैंपल ही देते हैं. आपने जो भी काम करना होगा वो सैंपल पे करना होगा, ठीक है. पॉपुलेशन का बस बता देते हैं आपको कि ऐसे आता है पॉपुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है. अच्छा इसके बाद आता है ये, देखें अभी हमने ये स्टार्टिंग में पढ़े भी थे कि कुछ रिलेटिव मेजर्स हैं, रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन उन्होंने बता दिए, यहाँ पे फॉर्मूला जो है समराइज फॉर्म में करके दे दिए हैं कि आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं. कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा तो उसका फॉर्मूला ये होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है बस वो प्लस के साथ नीचे आ जाता है तो आपका ये बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं हम, कि जो क्वार्टर जो उसका क्वार्टर डेविएशन के Q3 - Q1 होता है उसको बस
प्लस साइन के साथ ही लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस साइन आता है, ठीक है, ये आ जाएगा नेक्स्ट। इसके बाद मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, अब देखिए उन्होंने यहाँ पे मीन डेविएशन मेंशन नहीं किया, बस उन्होंने कह दिया मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। अभी आपने खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का मतलब होता है मीन डेविएशन जो मीन से लिया हो, मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है कि जो मीन डेविएशन आपने मीडियन से कैलकुलेट किया, ठीक है, ये आपने सारे फार्मूलाज याद कर लिए हैं। नेक्स्ट जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये आपने याद रखना है, कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ना पूछ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो ये वाला फार्मूला दे देंगे और साथ आपको 100 से मल्टीप्लाई करके भी दे देंगे। तो आपने जो है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यही यूज़ करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपका 100 से मल्टीप्लाई होने वाला आता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला जो है उसके साथ एस ओवर एक्स बार वाई बार मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करते नहीं करते हैं, ये आपने चूज़ करना है एमसीक्यूज में, तो ये वाला चूज़ करेंगे। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 4.4, आपको कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आपने सी वी इसको कहते हैं इन शॉर्ट, आपने जो है सी वी कैलकुलेट करनी है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपने जो भी ऊपर मैंने बताया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट है, इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपने जो है डाटा का वाई लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली, अब हमें चाहिए है इस कोफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये लिखेंगे फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर वाई बार मल्टीप्लाई बाय 100, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए सबसे पहले और मीन चाहिए। हमने इस डाटा का मीन कैलकुलेट करना हो तो हमें पता है ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। अब हमने वाई को एफ से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा मीन के लिए कॉलम आ गया, देखिए वाई बार समीशन एफ वाई ओवर समीशन एफ, यहाँ से समीशन एफ ले लेंगे, यहाँ से समीशन एफ वाई कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास मीन का फॉर्मूला आ गया, सॉरी मीन का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आप चाहिए डेविएशन वाले फार्मूले से करें, चाहे जो मैंने आपको उस दिन कराया था समीशन एफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों से जो फार्मूला आपको सही लगता है आपने वो कर लेना है, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा होल के ऊपर अंडर रूट। ये हमारे पास था डेविएशन वाला फार्मूला, और ये हम जो है शॉर्टकट मेथड से यूज़ करते हैं, और रिजल्ट दोनों का सेम आता है, यूजुअली लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इससे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे और मीन आ जाएगा, ये दोनों जब आ जाएंगे इसको आप फॉर्मूले कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया है जिसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं लेकिन बाकी फार्मूला सेम होता है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 108.982 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, ये हमारे पास था बेसिकली ग्रुप डाटा का। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि अगर आपने कंबाइन मिस जी हाँ पूछे मिस कुछ नहीं, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आते हैं 4.15 पे, इसमें हमारे पास है कंबाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना। अब कंबाइन का मतलब है हमने जो है कंबाइन मीन निकालेंगे, कंबाइन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद उसका कंबाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100, पहले हम कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तीन डाटा सेट्स हैं हमारे पास, उसका मीन उसका एन और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तीनों की गिवन है। सबसे पहले कंबाइन मीन के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ, एन वन वाई बार प्लस एन टू वाई बार टू प्लस एन थ्री वाई बार थ्री डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू एन थ्री, ये हमारा हो गया कंबाइन मीन का फॉर्मूला। यहाँ से हम वैल्यू एन की जगह पे एन की, वाई बार वन की जगह पे वाई बार वन की, एन टू की जगह पे एन टू की, वाई बार टू की जगह पे इस तरह से पुट कर दी और नीचे सारे एन सम करके हमारे पास कंबाइन मीन आ गया। जब कंबाइन मीन आ गया एक चीज़ तो आ गई कंबाइन वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। पहले वो कंबाइन वेरियंस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट लिखना ज़रा अजीब लगता है बड़ा सा, तो पहले वो कंबाइन वेरियंस कर लिया, बाद में इसको अंडर रूट लेकर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर लिया। इसका फॉर्मूला भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एन वन और यहाँ पे आ जाएगा एस वन स्क्वायर प्लस वाई बार वन, यानी कि पहले जो है ग्रुप का वेरियंस और कंबाइन वेरियंस जो ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो आप, इनका डिफरेंस लेंगे उसके लेंगे प्लस एन टू एस टू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये याद रखना आपने स्क्वायर की फॉर्म, यानी कि वेरियंस पुट कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पुट कर रहे, आपको डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है लेकिन आपने एक वेरियंस उसका स्केयर करके फिर यहाँ पे पुट करना, प्लस वाई बार टू माइनस वाई बार सी स्केयर, ठीक है, प्लस एन थ्री एस थ्री स्केयर प्लस वाई बार थ्री माइनस वाई बार सी स्केयर, ठीक है,
ये डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू एन थ्री हमारा कम्बाइंड वेरियंस का फॉर्मूला आ गया। इसमें सारी वैल्यूज ऊपर से हमने जो है कैलकुलेट कर पुट कर दी, कैलकुलेट किया और जो है सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वेरियंस का फॉर्मूला कम्बाइंड वेरियंस आ गया। उस कम्बाइंड वेरियंस का हमने फर्दर जो है अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास कम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुका है, मीन भी आ चुका है, तो बस हमने सी वी कैलकुलेट कर लिया। सी वी का वही फार्मूला है, बस यहाँ पर कम्बाइंड कम्बाइंड हमने ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, हमने पुट कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, दो डिफरेंट डाटा सेट्स का भी आप कर सकते हैं और एक सिंगल का भी कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन हर तरह से आपको आ सकता है। अच्छा, मूवमेंट्स पहले मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन मार्क करा दूँ इसके, फिर उसके बाद मूवमेंट्स का थोड़ा सा देख लेंगे टॉपिक। अच्छा जी, इसमें हमारे पास अभी तक हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 1.5 आपका हो चुका, एक पार्ट बी पार्ट रहता है इसका। मीन डेविएशन हम कर चुके हैं, मीन कोफिशिएंट ऑफ भी आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, रेंज क्वार्टर डेविएशन कोफिशिएंट क्वार्टर डेविएशन ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया है, कोफिशिएंट ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें 4.8 में आपने, मैंने उस दिन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो अब आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि आपको एक मीन भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ से आ जाएगा ना, ये आप कर चुके होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार या वाई बार जो भी आप लिखते हो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन में आपने ये भी कर लेना अपना कंप्लीट सीवी। नेक्स्ट इसके बाद मैम जी, मैम जी आपने 4.9 और 10th क्वेश्चन दिया था ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब मैंने दो तीन बार किया लेकिन सही नहीं हो रहा था। 4.10 में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, ये देखें आपके पास ये n वन हो जाएगा, ये उसका x बार वन हो गया, ये उसका s वन हो गया। ठीक है, s वन स्टैंडर्ड डेविएशन s वन स्केयर नहीं है गिवन। सिमिलरली ये आपका n टू है, ये आपका x बार टू है, ये आपका s टू है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ना, सेम टेस्ट, फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कम्बाइंड। अभी जो हमने एग्जांपल की है ना, उसमें जो आपने फार्मूला देखा था मीन कम्बाइंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम्बाइंड का, वो आपने कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मीन का तो ये हो जाएगा ना एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, ये आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करें गलत बिल्कुल नहीं आएगा, सही रिजल्ट आएगा। आपस में एक दूसरे से मैच करें, हो सकता है ग्रुप में पीछे बुक में पीछे आंसर ना सही दिया हो, लेकिन ये होगा ऐसे। और कंबाइंड वेरियंस का आपने जब करना है तो ये देखें यहाँ से आपने दो वाले जो है ये यहाँ से दो का ले लेंगे सिर्फ, हमने थर्ड हमारा वेरिएबल है ही नहीं तो वो वाला फॉर्मूले में नहीं पुट करेंगे, ये फर्स्ट का और ये सेकंड ग्रुप का और ये दोनों के एन, इस तरह से हमारा ये मिस वेरियंस में हम अंडर रूट करेंगे एस का। वेरियंस में अंडर रूट नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कट कर लेना, आपने जो थर्ड वैल्यू ये भी स्किप कर देनी है, यहाँ से ये थर्ड वैल्यू स्किप कर देनी है, तो आपका ये कंबाइंड वेरियंस का फॉर्मूला आ जाएगा। इसका अंडर रूट ले लेंगे बाद में आंसर आने के बाद, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, आप ये इसको आज दोबारा कीजिएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद। हाँ अम्मा मैंने चाय पीनी है। इसके बाद आपका आ जाएगा, अपने माइक ऑफ कर दें। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपका 4.11, ये भी मैं आपको बता चुकी थी किस तरह से करना है आपने, कि आपने जो आपको एक्स वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, दूसरा वाला वेरिएबल आपका वाई है, आपने इसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है कि क्या है। ये उस दिन आपको बता चुकी थी आपका हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट इसके बाद 4.12 क्वेश्चन, ये मैं आपको आज गाइड कर देती हूँ, ये भी आपने कम्प्लीट कर लेना है। द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स ऑन अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन वर 60, वैल्यूज दी हुई है 60, 70, 50, देयर स्कोर्स आर चेंज बाय दिस। नंबर वन है आपका, उन्होंने कहा है एडिंग 10 पॉइंट्स इन स्कोर। अब आपने क्या करना है, जो आपको ये वाला वेरिएबल गिवन है इसको आपने एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 70, 60, नेक्स्ट फिर 70 और फिर 50 है, आई थिंक कि आपने वैल्यू लिख लेनी है एक्स वेरिएबल। नेक्स्ट आपका कॉलम बन जाएगा कि आपने इसमें 10 ऐड करना है, उस वाले वेरिएबल को आप कह देंगे वाई है हमारे पास एक्स प्लस 10, ये आपके पास सेकंड वेरिएबल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 80, नेक्स्ट आ जाएगा 70, सो ऑन, इस तरह से आपकी चारों वैल्यूज भी आ जाएंगी। ये वाला कॉलम भी आपका कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है
आपने क्या करना है इसका, व्हाट इज द व्हाट अफेक्ट दीज वैल्यू चेंज हैव ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. आपने मीन और स्टैंड डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है इनके. एक्स का भी कैलकुलेट करें, जो भी पीछे मैंने क्वेश्चन 4.11 बताया था उसी तरह से, और इसका भी आपने जो है मीन और स्टैंड डेविएशन दोनों कैलकुलेट कर लेने हैं, और इन दोनों के दरमियान में आपने देखना है कि क्या वो होल्ड करता है रिलेशन. जैसे कि आप देखोगे आपका जो एक्स बार है y बार आपका इक्वल होगा x बार प्लस 10 के इक्वल, ये आपका रिलेशनशिप आएगा. जब आप दोनों के x बार y बार कैलकुलेट कर लोगे तो देखोगे ये इक्वल, जब इसमें 10 ऐड करोगे तो फिर होगा. सिमिलरली आप जो है नेक्स्ट देखेंगे कि ये देखिए इस वाले जो हमने नया वेरिएबल कैलकुलेट किया है ना उसके ऊपर बार अप्लाई कर लिया. जैसे अब इसी भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन अब वेरियंस अप्लाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपकी मर्जी है. फिलहाल मैं वेरियंस का बता देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के बता देती हूँ आपको, फिर कंफ्यूजन होगी. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपका है वो इक्वल आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के, ठीक है. उसमें आपका जो है कुछ भी ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ता है. आप देखोगे जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेरिएबल का आ रहा है और वाई वेरिएबल का दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है. ये आपका एक पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा इंक्रीजिंग ऑल स्कोर्स बाय 10%. अब 10% का मतलब क्या कि आपने हर स्कोर को जो एक्स वाला था ऊपर आपको गिवन कॉलम में उसमें 10% को इंक्रीज करते जाना है. तो ये क्या होगा आपके पास, इसमें आप 10% इंक्रीज करेंगे. मैं यहाँ पे कॉलम बना देती हूँ, यहाँ बाद में बनना था लेकिन ये पहले बना लेते हैं. इसको भी हम वाई नाम ले दे देते हैं सेकंड पार्ट में, कि आपका एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल में आपने जो है 10% इंक्रीज करना है, ठीक है, 10% ऑफ एक्स. अब ये क्या आएगा आपका 10% ऑफ एक्स आ जाएगा आपका. देखें जैसे कि हमारे पास 70 है, 70 का 10% क्या होगा, 70 तो आ जाएगा एक्स की जगह पे और 10% ऑफ 7 क्या आ जाएगा, 7. नेक्स्ट 60 आपके पास वेरिएबल है उसका 10% क्या हो जाएगा, 6. नेक्स्ट दोबारा से 70 प्लस 7, 50 प्लस 5. इस तरह से आपका जो है यहाँ पर सम साथ साथ आप लिखते जाओगे, ये आ जाएगा 77. नेक्स्ट आपका आ जाएगा 66. नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा मिस, ये नहीं समझ आया 10% वाला, बता दोबारा बताती हूँ मैं. अब देखिए एक वेरिएबल तो उन्होंने कहा था कि आपने ऐड करना, सिर्फ एडिंग 10 पॉइंट्स टू स्कोर्स, जो आपके स्कोर्स थे उसमें आप 10 पॉइंट ऐड करके आपने जो है एक वेरिएबल वाई बना लिया और उन दोनों का कंपैरिजन करके देख लिया. सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपने 10% इंक्रीज करके जो है वेरिएबल बनाना है स्कोर. अब एक हमारे पास केवल एक्स वेरिएबल है, इसका हम 10% इंक्रीज करके ये बना रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो वो एक्स वेरिएबल आ जाएगा और उसमें 10% इंक्रीमेंट आएगा. जैसे कि आपने ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी तो इसी तरह से किया था कि आप जो है वो 100 जो था एज इट इज़ वैल्यू और उसमें जो है इंक्रीमेंट था वो ऐड करते जा रहे थे. सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका वेरिएबल है वो और उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स में वो ऐड कर रहे हो. एक्स में 10% इंक्रीमेंट होगा 70 में तो वो 7 आ जाएगा, 70 प्लस 7 77 हो जाएगा. 60 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें 10% इंक्रीमेंट. मैं 7 क्यों आया यहाँ पर, आप दोबारा करके देखें ना मल्टीप्लाई, 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 10% का मतलब होता है 0.1, मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है, 70 इंटू 0.1 क्या आया है, हरी अब जल्दी 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 से कैलकुलेटर पास है, 7. हाँ तो 7 आ गया ना, 7 हमने इसमें ऐड कर दिया, 77 हो गया. सिमिलरली 60 में आप 10% करोगे, 60 का 60 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, तो ये 66 हो जाएगा. अगेन 70 का फिर 7 हो गया, 77 हो गया. 50 का ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा. तो इस तरह से आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है. यहाँ पे ये वाला वेरिएबल वाई जनरेट हो गया और यहाँ पे एक्स वेरिएबल जो आपका पहले था ओरिजिनल वैल्यूज का. अब क्या करना है आपने, सिमिलरली आपने इसका एक्स बार कैलकुलेट करेंगे और वाई बार कैलकुलेट करेंगे. आप देखेंगे जो इसका वाई कुछ भी आप नेम दे दें, चाहे आप इसको जी नेम दे दें, चाहे आप इसको ए नेम दे दें या दोबारा से वाई दे दें, कोई मसला नहीं है. तो आप देखोगे कि इनके दरमियान में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. तो जो आपका एक्स बार है, सॉरी वाई बार लिख लेते हैं, पहले वाई बार आएगा आपका, ये जो वाई ये आपका ओरिजिनल वेरिएबल जनरेट हुआ है, यहाँ पे इतना चाह देगा वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 0.1 एक्स बार.
ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट फर्स्ट का. आपका देखोगे ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, आपने रिलेशनशिप इससे आपने ड्राइव करना होगा जो आपका न्यू वेरिएबल आप जनरेट, जैसे कि इसमें ये कर रहे थे इसमें ये वाला कर रहे हो. इस पर आप वाई बार अप्लाई कर दोगे दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा, सॉरी बार अप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा. नेक्स्ट इस पर जब आप स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर दोगे या वेरियंस अप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एस वाई प्लस एस एक्स सॉरी इक्वल टू एस एक्स प्लस. आपको बताया था मैंने उस दिन कि आपका जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है उसका अफेक्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन पर, वेरियंस पे एड और सब्ट्रैक्ट करने का नहीं आता. 0.1 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स. आप देखेंगे ये रिलेशनशिप एक्जिस्ट करेगा और ये रिलेशनशिप हमने यहाँ से ड्राइव किया इस वाले से. इस पर आप जब अप्लाई कर दोगे y बार या जो आप कहते हो बार दोनों साइड्स पे, तो ये y बार इक्वल टू x बार प्लस 10% की जगह पे 10% ही आ गया, 0.1 भी कहते हो उसको, और x की जगह पे भी बार बन गया. ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया. सेकंड में आपने जब इस पर स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई किया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ y हो गया इक्वल टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x प्लस 0.1 कॉन्स्टेंट था वो बाहर रह गया, स्टैंडर्डाइजेशन इस पर अप्लाई हो गया x पे. तो ये इस तरह से आपके पास रिजल्ट, आप देखो कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे दोनों के. ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर लेना है आज. नेक्स्ट इसके बाद आपका ये देखिए, ये आज आ गया कोफिशिएंट वेरिएशन का जो हमने आज किया. कंप्यूट द मीन वेजेस. मीन वेजेस का मतलब आपने मीन कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है. जो भी आज हमारा टॉपिक था स्टैंडर्डाइजेशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला. दो हमारे पास जो है टफ केस है उनका. अब आपने सबसे पहले जो आपका काम होगा, आपने जो है इस डाटा का एक्स कैलकुलेट कर लेना, या मिड पॉइंट कहते हो, वाई बार भी ना, कुछ लोग इसको वाई भी नाम देते हैं, कुछ एक्स दे देते हैं. हमने इसको एक्स नाम दे दिया. अब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ए है, ठीक है, ए डाटा सेट की फ्रीक्वेंसी है. ये आपके पास डाटा सेट बी की फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, आपने मीन कैलकुलेट सी वी आप निकाल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल ए की सी वी आप ए की कैलकुलेट कर रहे हो, ए फैक्ट्री की, तो वो आपके पास आएगी एस ए डिवाइडेड बाय एक्स बार ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100. ये आपका ए वाले के लिए आ गया. बी वाले के लिए भी सेम यही होगा, बस यहाँ पे हो जाएगा सी वी ऑफ बी इज इक्वल टू एस बी डिवाइडेड बाय एक्स बार बी मल्टीप्लाई बाय 100. ये फॉर्मूला आपका हो गया ए और बी दोनों डेटा सेट. मिस पहले इसका मीन निकालेगा ना, सिग्मा एफ एक्स ओवर. हाँ, मैं बताती हूँ ना, पहले मैं जनरल फार्मूला बता रही हूँ कि सी वी का ये फार्मूला होता है. नेक्स्ट आपका एक्स बार ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये यही आप बी में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, एक्स बार ए का फार्मूला आपके पास हो जाएगा समीशन एफ ए, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई साथ इसके एक्स ओवर है डिवाइडेड बाय समीशन एफ. ये आपका फार्मूला हो गया एक्स बार ए का. ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना. स्पेशल एफ ए कैसे आएगा, ये तो आपने एफ ए तो आपको गिवन है और एक्स आपने कैलकुलेट कर चुके हो गए. इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वाला आ जाएगा सम डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ ही ए का सम होगा वो रख देंगे, तो आपके पास एक्स बार ए आ जाएगा. अब आपने एस ए कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें आप बी में भी कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, एस ए बता दूँ मैं आपको, अंडर रूट लिया सबसे पहले, स्टैंडर्डाइजेशन में अंडर रूट लेना होता है. नेक्स्ट आपका काम हो जाएगा समीशन एफ ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ ए. ये आपकी जो फर्स्ट पॉइंट आ गया. नेक्स्ट इसमें से माइनस से करना है आपने, तो आप उसको कैलकुलेट कर चुके होंगे एक्स बार. मिसेस में स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं कहा उन्होंने निकालने के लिए. सीवी के लिए देखो क्या कैलकुलेट करना होता है, क्या करना होता है सीवी के लिए कैलकुलेट, ये क्या हमने लिखा सबसे ऊपर बताएं. सीवी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसका मतलब है हमें मीन भी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है. दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सीवी आएगा. अब ये सारे जो फॉर्मूला आपके ए ए में थे या बी बी में भी कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, अब कॉलम आपके क्या बनेंगे, एक आपका एक्स्ट्रा कॉलम होगा, एक आपका फ्रीक्वेंसी ए का कॉलम है जो गिवन है आपको, एक आपका कॉलम फ्रीक्वेंसी बी का होगा. नेक्स्ट आपके जो कॉलम बनेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ.
एक आपका हो जाएगा एक्स एफ ए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ए, ये आपका हो गया फर्स्ट डाटा सेट के लिए। सेकंड डाटा के लिए आपका हो जाएगा एक्स एफ बी, इसके अलावा हो जाएगा, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर एफ बी, ये आपके टोटल कॉलम बनेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए सब, ये एक्स स्क्वायर है, इतने आपके कॉलम बनेंगे जो आपने कैलकुलेट करने हैं और उनके सम्स इसमें पुट करते जाएंगे, सीवी आपका ए भी आ जाएगा, सीवी बी भी आ जाएगा। और आपने इसमें कंपैरिजन करना है कुछ या नहीं करना है, बस उन्होंने जस्ट मांगा हुआ है आपने सीवी ऑफ ए और बी बताना। मिस मिस इस स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज करेंगे या आगे वो बार वाला वो जो है वो भी करेंगे? नहीं नहीं, ये आपकी मर्जी, आप चाहे ये वाला, ये जो मैं बताया ये वाला सम ऑफ स्केल्स वाला कर लें, चाहे आप वो डेविएशन वाला कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये आपका सीवी दोनों आ जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि आप बताएं कंपैरिजन करें सीवी ए बड़ा या सीवी बी बड़ा है, तो आप बस कैलकुलेट करके बता देंगे। अगर वो पूछती मोर कंसिस्टेंसी बताएं या मोर वेरिएबिलिटी बताएं, तो जिसका सीवी छोटा मिस, वो मोर कंसिस्टेंट। मिस जी आपने क्या लिखा है फॉर्मूला, समझ नहीं आ रहा। ये वाला जी ये समीशन एफ ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ ए माइनस एक्स बार ए का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका जो बुक में फॉर्मूला गिवन है वो है आपके पास समीशन एफ ए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आपका देखिए ये वाला फॉर्मूला बेसिकली गिवन है ना, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्स बार लिख देती हूँ, ये वाई बार लिख देती हूँ, वाई बार स्क्वायर ये लिखने के बजाय, अब ये क्या होता है, ये मीन का फॉर्मूला है ना, ये जो अंदर लिखा हुआ है, इसको पूरा लिखने के बजाय मीन लिख दें आप, वाई बार कर दें। ठीक है, अगर आप किसी ए डाटा सेट का कर रहे हो तो उसको वाई बार ए कह दो, किसी डाटा सेट बी का कर रहे हो तो वाई बार बी कह दो, ये अपनी आपकी जो है डाटा सेट पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आपका 4.14 है, ये भी आप कर चुके हैं मीन डेविएशन। नेक्स्ट इसके बाद आपका ये भी मीन डेविएशन का, ये भी मैं देख चुकी थी आप कर चुके होंगे, ये भी आप कर चुके हैं 4.1 से। अब ये 4.17 है आपके पास, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन ट्यूब्स टू टाइप्स ए एंड बी। अब इस आपके पास दो डाटा सेट्स हैं, आपने करना क्या है, इसे एक का आपको मीन गिवन है फर्स्ट ए का, जैसे कि इस वाले पिछले क्वेश्चन में तो आपने कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी मीन गिवन है दोनों डाटा सेट के, दोनों डाटा सेट के एस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों गिवन है, आपने बताना है उसका एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट में आप क्या बताएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एब्सोल्यूट में बेसिकली हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो यूनिट वाले होते हैं उनके साथ कंपेरिजन करना है, जिसका सी वी हमारा जो है वो बड़ा होगा उसमें मोर वेरिएशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सी वी किसका बड़ा है, एस बी का बड़ा है ना, बेसिकली एस बी ग्रेटर देन एस ए। ठीक है, एस ए और एस बी का हमने देखा, जिसका एस बी हमारा बड़ा था उसमें मोर मोर जो है हमारे पास बेसिकली डिस्पर्जन है, जिसका एस ए है बेसिकली छोटा है उसकी जो है डिस्पर्जन कम हो। ठीक है, ये हमारा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा हमारे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में, जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना, रिलेटिव में आपको पता है कि आपने यूनिटलेस में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें आपने क्या करना है सीवी कैलकुलेट कर लेना है, सीवी ऑफ ए डेटा सेट का आ जाएगा आपका, ठीक है, और सीवी ऑफ डेटा सेट बी का आ जाएगा, दोनों डेटा सेट्स के हमारे पास सीवी जब आ जाएंगे तो आप देखोगे जिसका सीवी हमारे पास देखना कि इसमें हमने में भी हमने ग्रेटेस्ट देखना है, तो बेसिकली हमने वेरिएशन देखनी है, जिसका सी वी हमारे पास बड़ा होगा उसमें मोर वेरिएबिलिटी होगी। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप ऐसे यूज करेगा, आई थिंक जो भी आएगा मुझे पता नहीं, सी वी ए की वैल्यू क्या आएगी, सी वी बी की वैल्यू क्या आएगी, जिसकी सी वी की वैल्यू बड़ी आएगी वो क्या होगा हमारे पास, उसमें ग्रेटर डिस्पर्जन होगा, याद रखना। ठीक है, ग्रेटर डिस्पर्जन जिसकी सी वी की वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी उसका सीवी की वैल्यू छोटी होगी वो देखना है, और एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में आप स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट कर लेने या वेरिएंस कैलकुलेट कर लेने,
जिसके स्टैंड डेविएशन या वेरियंस की वैल्यू बड़ी होगी उसमें एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ज्यादा होगा। डिस्पर्जन होता क्या है, बेसिकली आपके एवरेज वैल्यू के अराउंड जो है डिस्पर्जन वैल्यू कितनी जो है स्कैटर्ड है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि हमने डिस्पर्जन मेजर करना है, जिसकी डिस्पर्जन की वैल्यू बड़ी आती है उसमें डाटा सेट्स की ज्यादा डिस्पर्जन होती है, जिसकी चीजें जिसके जो है ये डिस्पर्जन की वैल्यू कम आती है उसमें डिस्पर्जन कम होता है। तो यहाँ पे भी ये डिस्पर्जन एस बी में था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आई थिंक एस बी में होगा या सेम में होगा, सी वी ए में होगा, या फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद, मेज बास कर रहे हैं, मिस बस कर दें, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है ये। अच्छा ये बस लास्ट फोर मिस पॉइंट बस वन कर दें मिस ना, हजम नहीं हो रहे, मिस ज्यादा बस नहीं, करें, मिस बस। चलें फिर करवा दें। अच्छा इसमें हमारे पास है सीवी कंप्यूट एंड कंप्यूटर कैलकुलेटेड मीन एक्सेलरेशन आर दिस। आपके पास जो है ये 20 ऑब्जर्वेशन आपके पास है 42 और 5 का रिस्पेक्टिवली। अब ये आपके पास एन गिवन है, ये आपके पास इसका मीन गिवन है एक्स बार, ये आपके पास एस गिवन है, ठीक है। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट इट हैड कॉपीड डाउन टू वैल्यूज एस 45 एंड 38, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि वैल्यूज आपकी जो है गलती से कैलकुलेट हो गई थी, यही मैं खुद करवा दूंगी या आपको मुश्किल लगेगा ये वाला रहने देती हूँ मैं। मिस बस, मिस पढ़ाई खत्म, ये वाला बस उसकी जगह पे एक करवा दूंगी उम्मीद फोर्थ जी बात कर मिस देना, छोड़ नहीं दें। मिस प्लीज नहीं।